हेलो गाइस, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से। और अभी सुबह का सारा काम तो हो चुका है, ये ऑफिस चले गए हैं आज दोनों भाई। वो मिस्त्री आ चुके हैं, मिस्त्री अपना काम कर रहे हैं रसोई में, जो किचन में जो लिपाई विपाई प्लास्टर व्लास्टर लगाना था टाइल के लिए वो कर रहे हैं। और कपड़े धुल चुके, कपड़े की अभी मैंने मशीन लगा दी, धुलने लग रहे हैं। कुछ कपड़े जो हाथ से धुले थे मैंने फटाफट से धो दिए, क्योंकि अभी थोड़ा घर ऐसा ही हो रहा ना, फैला फैला सा। तो और अब तो सुबह से शाम तक काम ही काम रहता है, क्योंकि थोड़ी देर भी आराम नहीं मिलता। सुबह घर का काम करो, फिर ये सब देखभाल करनी, ऊपर से मिट्टी मिट्टी सूटती रहती है, तो जैसे सारा घर गंदा गंदा रहता है। तो पोछा तो लगाते नहीं है, शाम के टाइम में एक बार थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं ऐसे रूम रूम के अंदर से, ताकि बिस्तर पर जो मिट्टी विट्टी वो ना जमे। मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, ये सारा रेनोवेट होने के बाद मैं सारे घर को सेट करके आपको होम टूर जरूर कराऊंगी। और ये देखो, ये परी भी आ गई। और अभी हम घर से बाहर बैठे चिंते जी, क्योंकि अंदर दोनों रूम भी ऐसे फैले पड़े हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। हाँ मम्मी, क्या ऊपर ये आपको अपना घर कैसा लग रहा है? अच्छा, इतना अच्छा। और गाइस को हेलो गाइस कर दो। हेलो बाय नी, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हो गई ऊपर, उसकी शरारते पूरा दिन रहती है, उसको पढ़ना तो है नहीं, शरारते ही करनी। देखो मटकना, देखो उसको पूरे दिन मटकती रहती है। तो जी चलिए जी, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी किचन, किचन में कितना काम हुआ है। तो जी यहाँ पर देखिए, किचन की ये वाली जो दीवार थी उस पर लिपाई हो चुकी है, जो प्लास्टर करना है टाइल लगाने से पहले, देखिए। और जो सामने वाली दीवार है वो थोड़ी सी बचती है, अभी वहाँ पे भैया काम करने लगे हुए थे, तो वो किचन कंप्लीट कर देंगे, कल बोल रहे थे कल हो जाएगी पूरी किचन कंप्लीट। बस जो नीचे आपको थोड़ी सी दिख रही ना, ये वाली दीवार बची है, और उसके बाद ऐसे पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, कपड़े चला रखे हैं मशीन में। देखे जी परी यहाँ पर हो गई गुस्सा। इसके चॉकलेट में से इतनी सी बाइक ली है, बस जरा सी थोड़ी सी धुंधली दिख रही है यार। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, देखो इतनी सी बाइक ली थी उसके ऊपर गुस्सा ही, और पूरी चॉकलेट मेल्ट कर दी है, लेकिन खा नहीं रही। और इसने मुझे बहुत सारे थप्पड़ भी मारे, मैंने कैमरा बहुत बाद में ऑन किया, देखो बिल्कुल भी नहीं हंस रही है। है किसी और का इतना जिद्दी बच्चा। और देखो रो भी लिया उससे पहले ही, क्या हुआ बोलोगे भी नहीं? आप बोलोगे भी नहीं परी, क्या हो गया बता तो दो, पापा जी देखेंगे फिर इसमें क्या होगा। आप चॉकलेट नहीं खाओगे? लाओ मैं खा लेती हूँ, लाओ तो मैं खा लेती हूँ, लाओ। नहीं दोगे मुझे? मम्मी को नहीं दोगे? आप गुस्सा हो, ये सारी चॉकलेट खराब हो जाएगी फिर। बिल्ली को दे दू? बिल्ली आ जाओ, चॉकलेट ले लो परी से। अब परी तो चॉकलेट खाएगी नहीं। मिली आ जा मेरी बेटी, आइयो चॉकलेट ले लो। कौन सी चॉकलेट है? किटकैट। ओहो बड़ी टेस्टी चॉकलेट, तो रिद्धि तो खा लेगी चॉकलेट। क्या हो आप गुस्सा हो गए? आप गुस्सा हो गए? और ये देखो अपना आई कार्ड पहन के बैठी है, और इसकी आई कार्ड में फोटो देखो कैसी है, एकदम गोल मटोल, पता ना कितनी मोटी होगी मम्मी की बेटी, गोल मटोल। देखो आप बाद में नहीं करोगे? बाद में नहीं करोगे? आप नहीं करोगे क्या? देख लो कितनी देर से हंसाने की कोशिश कर रही मैं, लेकिन ये नहीं हंस रही। बहुत गुस्से वाली, बहुत जिद्दी है ये, बहुत जिद्दी।
ये सब ऐसे बोलेंगे कि आप पागल हो, पागल हो आप, अब गुस्सा हो, अब गुस्सा हो, अब गुस्सा हो क्या, अब गुस्सा हो क्या परी, परी अब गुस्सा हो, परी अब गुस्सा हो क्या, तो जी ये नहीं बोलेगी बिल्कुल। आपको क्या चाहिए, आपको चॉकलेट नहीं खानी ना क्या फ्रिज में, रिद्धि को दे रहा हूँ, भूमि आज वो भी खा रहे इसकी चॉकलेट, सारी चॉकलेट खराब कर दी बच्चा, खाने तो खा ले, क्या हुआ भूमि ने मारी आपको, भूमि ने मारी है, भूमि ने क्यों मारी, ओ मेरी बेटी है, चॉकलेट खाए भूमि नहीं खाएगी पड़ेगी चॉकलेट, खाने खाएगी बाबा और ले आएगा रात में, रो क्यों रही है, अभी मैं कपड़े धो लूं, मैं धुआ लाऊंगी, रो क्यों रही है, और धुआ लाऊंगी मैं अभी कपड़ा धो, तुमने चॉकलेट के पीछे रो रही है, तुमने अभी बिस्किट खाए थे, एक चॉकलेट और रखी है, खा ले फिर वो खा ली है, क्यों रो रही है, अभी धुआ लाऊंगी, और बाहर आके ढाल रो ना, क्या बता रही है, मेरी बेटी मेरी बुलबुल, आप मुझे मारोगे, आप मुझे मारोगे, अब नहीं मारो, फोन बंद कर दो, आपकी वीडियो नहीं बनाऊ, क्या हुआ, आपको चॉकलेट भी नहीं खानी, चलो आप खाने लग गए, इसका खाने का मन भी कर रहा है और गुस्सा दिखाने का मन भी कर रहा है, बातें भी कितनी तोड़ी गेंद ली, तो जी अभी यहाँ पर किचन में जो लिपाई का काम था वो हो गया था, तो मैंने सोचा अभी बैठे तो है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मेरी रिद्धि परी भी सो गई थी और मुझे नाना बाद में ही था, तो मैंने सोचा चलो मैं तब तक ये जो पेंट इसका फुला हुआ है ये उतार लेती हूँ, क्योंकि बाद में भी इसमें टाइम लगेगा और जब ये काम एक साथ ही निबट जाएगा, क्योंकि अभी अभी किचन खाली तो कर रखे, फिर अगर धीरे धीरे करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा किचन को बाहर पड़े रहना, तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं मम्मी मिस्त्री के पास काम कर रही थी, रिद्धि परी सो गई थी, तो मैं यहाँ पर ये उतारने लगी थी ताकि बाद में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े इनको और ये जल्दी जल्दी से पेंट का काम निपटा दे और फिर हम अपनी किचन वापस से यही सेट कर ले, क्योंकि अभी बाहर है ना बहुत सारी परेशानी आ रही है, एक तो बार 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 में जो चीटियाँ वो हो जाती है, ऊपर से नीचे बैठ के खाना बनाना पड़ता है और बार बार में दिन कुछ भी चीज़ लेने के लिए खड़ा होकर जाना पड़ता है, और फिर सब्जियाँ वब्जियाँ धोए तो फिर दोबारा से खड़ा हो, अगर किचन में तो खड़े खड़े वही सिंक में धो ले और जल्दी जल्दी से काम निपट भी जाता है, चाहे एक घंटे का काम होता है वहाँ बाहर बैठ करके मेरे से तो दो घंटे में हो पाता है, तो इसलिए मैंने ये सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी से इस काम को भी थोड़ा निपटा लेती हूँ, तो देखिए जहाँ जहाँ से ये पेंट उतर रहा था मैं वहीं वहीं से उतार रही थी, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं उतर रहा था, तो बाद में ये आकर बोल रहे थे कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, हम रेक मारक ले आते उससे जल्दी से आसानी से उतर जाता, तो फिर मैंने बोला कि चलो मैंने तो अभी मोटा मोटा तो कर दिया और बाद में देख लेना आपको पसंद ना आए तो, और अभी जो स्लैब पर जो मसाला मसाला पड़ा था ना वो भी मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में नीचे उतार उतार के गिर देंगे फिर वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर मैं अभी बस ये सब कुछ अच्छे से साफ़ करके रख लेती हूँ, बाद में देखिए कितना सारा हो गया था, और इसमें से पहले तो थोड़ा सा मम्मी ने डाल भी लिया था मसाला मसाला जो गिरा हुआ था, तो मैंने बोला चलो मम्मी मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में यहाँ से फिर यहाँ से जाएंगे तो बाद में पैर मिट्टी के होकर उठते रहेंगे और फिर बाद में सारे घर में फैल जाएंगे ऐसे, क्योंकि एक बार सारे घर को रात में तो क्लीनिंग करके सोनी पड़ती है, बाद में फिर अच्छा सा भी नहीं लगता जब उठते तो सारा घर इतना गंदा दिखेगा, तो मैं यहाँ पर झाड़ू लेकर लग गई थी और मैंने ऊपर से सारा साफ़ कर दिया था, अभी इस टाइम पर जो नीचे मसाला बचा था मैं उस पर भी उतार रही थी,
ताकि बाद में फर्श भी गंदा ना हो और काम भी हो जाए आसानी से। और आपको पता ही जब एक बार मिस्त्री लग जाते तो बहुत टाइम लग जाता है। आज उन्होंने पूरे दिन में बस ये स्लैब की थी और एक अलमारी भरी थी, और पहले तो बोल रहे थे कि आप खाली कर दो इसे, हमें एक दिन में सारा काम निपटा लेंगे। हमने सोचा चलो एक दिन में निपट जाएगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि वो एक दिन में और निपटा देंगे। ऐसा लग रहा है कि अभी वो दो तीन दिन तो और भी ले लेंगे इस काम में, दो दिन तो ले ही लेंगे अगर एक दिन नहीं तो। उसके बाद मैंने किचन साफ कर दी थी वहाँ से और मैं आ गई थी यहाँ पर। यहाँ पर भी पेंट जगह जगह से ऐसे खुला हुआ उतरा पड़ा था, तो मैं इसको भी उतार रही थी ताकि जहाँ भी काम दिखे मैं वहीं पर करने लग जाती थोड़ा मोड़ा काम, क्योंकि फिर बाद में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और गैलरी में ऊपर से कोई पेंट नहीं उतरा था, वो बिल्कुल साफ थी कि वैसे नीचे नीचे से सारे घर में नीचे नीचे से ये सीलन की वजह से ये पेंट उतरा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा जा से उतर रहा था, वहाँ से अपने धीरे धीरे से कर रही थी ताकि बाद में कोई ज़्यादा काम का बर्डन न रहे। और आपको पता है दो छोटे बच्चे भी उनके साथ में ऐसे काम होगा और टाइम भी बहुत लग जाएगा, और ऐसे में बाहर सामान बिखरा रहेगा और काम अधूरा रहेगा। उसके बाद त्यौहार भी आ जाएंगे, त्यौहारों की तैयारी भी करनी है। तो मैं यही सोचकर आज पूरे दिन भी मैंने कोई आराम नहीं किया, मैं बस पूरे दिन से लगी हुई थी। और तो चलिए करते अपने ब्लॉग का एंड इसी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब।